लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद के रायपुरा फीडर पर समस्याओं को लेकर एकजुट हुए संविदा कर्मी और अधिशासी अभियंता हाय हाय, संविदा कर्मी जिंदाबाद और अधीक्षण अभियंता हाय हाय के नारे लगाए और बताया कि 3 महीने से नहीं आया है लाइनमैन जीतू का वेतन और रजिस्ट्रेशन के नाम पर सुपरवाइजर पर 590 रुपए लेने का लगाया आरोप। फिरोजाबाद के रायपुरा फीडर पर संविदा कर्मी एकजुट होकर नारेबाजी करने लगे और बताया गया कि इस बिजली घर पर एक लाइनमैन है जीतू नाम का और उसका 3 महीने से उसे सैलरी नहीं मिली है और वहीं क्षेत्रीय अन्य कई समस्याएं भी हैं जिनको लेकर वे सभी एकजुट हुए हैं। बता दें, संविदा कर्मियों में प्रीतम ने बताया कि रामा कंपनी के एरिया मैनेजर निरंजन सिंह भगेल द्वारा जेई साहब के माध्यम से लगाया गया था और बताया गया कि रामा कंपनी के सुपरवाइजर हैं। उनका टेंडर जब यहाँ हुआ था तो यहाँ टेंडर आने से पहले ये रजिस्ट्रेशन के नाम पर कर्मचारी से 590 रुपये ले चुके हैं, जिसका कोई लाभ नहीं मिला। जब मांगने पर तनख्वाह में एडजस्ट कराने की बात कही तो उस पर कोई पैसा नहीं आया। नए कर्मचारी से 25,000 की डीडी मांगते हैं या उचित नहीं है। बताया कि एसडीओ साहब से भी शिकायत की है। अधिशासी अभियंता हाय हाय, संविदा कर्मी जिंदाबाद और अधीक्षण अभियंता हाय हाय आदि के नारे लगाए गए। रिपोर्ट शेखर यादव, फिरोजाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतम सिंह है। प्रीतम सिंह जी, आज रायपुरा फीडर पर आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं और सब लोग एकत्रित हुए हैं, आखिर क्यों, क्या कारण है? इस बिजली घर पर एक लाइनमैन है जीतू नाम है, इनकी 3 महीने सैलरी नहीं आई है, जबकि रामा कंपनी के एरिया मैनेजर निरंजन सिंह बघेल के द्वारा इनको यहाँ लगाया गया था जी साहब के थ्रू और बाद बाकी क्षेत्रीय कई समस्याएं हैं और ये रामा कंपनी के जो सुपरवाइजर हैं, जे पहले इनका कम यहाँ टेंडर हुआ था फिरोजाबाद में रामा कंपनी का टेंडर आने से पहले ये सभी कर्मचारियों से 590 रुपये की धन उगाही कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन के नाम पर, जबकि उस पैसे की ना तो कोई रसीद मिली है कर्मचारियों को रजिस्ट्रेशन की और ना ही कोई इनको लाभ मिला है। जबकि कुछ लोगों ने विरोध किया था कि भाई आप 590 रुपये कर्मचारी से क्यों ले रहे हैं, तो इनका कहना था कि हम क्षेत्रों में बुलेट दौड़ाते हैं और मतलब पेट्रोल का खर्चा ले रहे हैं, तो हमने कि ये कर्मचारियों से आप पेट्रोल तुम्हारी चलेगी, आप अपनी जेब से पजारिए, जो भी कुछ भी करना अपनी जेब से करिए, आप यहाँ टेंडर के सुपरवाइजर बन रहे हैं तो। लेकिन इन्होंने बोला था कि कोई बात नहीं है, इनके पैसे हम कर्मचारियों के इनके तनख्वाह में एडजस्ट करा देंगे कुछ दिन जब तनख्वाह आएंगी तो। लेकिन अभी किसी कर्मचारी का तनख्वाह जो भी लेवल आती है वही तनख्वाह है, एक पैसा भी किसी कर्मचारी का बढ़ के नहीं आया है। और इस बात के लिए हम गलत करें तो साथी मेरे बता सकते हैं, बताओ साथी किसी का पैसा बढ़ती आया है? नहीं आया है, नहीं आया है। पैसा बढ़ती नहीं आया है। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति ये है, 25,000 की जो प्रति नए कर्मचारी से डीडी मांगते हैं, जबकि कंपनी का कोई रूल नहीं है, ना कोई मान लो ऊपर से आदेश है। क्या आपने किसी उच्च अधिकारी से इसमें बात की? इनकी शिकायत ऐसी साहब से की है, डिवीजन लेबर कॉलोनी पर ग्रामीण से, और भी हमारे एसडीओ साहब है, जी साहब है ग्रामीण के, उनसे भी कह चुके हैं। लेकिन उनका कहना है कि भाई हम लोग कुछ सब चीज कर चुके हैं लेकिन ये किसी की बात सुपरवाइजर कंपनी के नहीं मानते हैं। और दूसरी बात ये है कि जिन्होंने मान लो 10,000 की नकदी कर्मचारियों से उगाही की है, जो कि कर्मचारी 10,000 रुपये देगा वो यहाँ पर नौकरी करेगा डीडी के बाद भी, 25,000 की डीडी और 10,000 की नकदी, अगर कोई कर्मचारी 10,000 रुपये दलाली नहीं देता है इनको तो ये उसको धमकाते हैं और वहां से ट्रांसफर की। कौन मांगता है दलाली? निरंजन सिंह बघेल मांगते हैं। कौन है निरंजन सिंह? निरंजन सिंह बघेल रामा कंपनी के सुपरवाइजर है, एरिया मैनेजर। और जबकि कर्मचारियों को ये धमकाते हड़काते हम तुमको ट्रांसफर कर देंगे या नौकरी से निकाल देंगे किसी से, और पदाधिकारी से कुछ कहा तो।